मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सम्मोहन तज्ञ करके पिछले 35 साल से अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग अनेक प्रॉब्लम्स लेकर मेरे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, संपर्क करते हैं, और काफ़ी सारे लोग हमें ऑनलाइन कॉल करके, ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो ऑडियो कॉल करके हमसे सलाह मशवरा लेते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, फोबिया, डर, पैनिक अटैक्स, मरने का डर, हार्ट अटैक का डर। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग के फिर हाथ थरथराना, पसीना आना, ऐसा लगता कि बहुत घबराहट आ गई, मैं मर जाऊँगा ऐसा लगना, बार बार विचार आना, रिपीटेड थॉट्स, बुरे ख्याल बार बार आना। कुछ लोगों को बेड की समस्या होती है, पति पत्नी में बिस्तर की समस्या है, पति पत्नी की आपस में नहीं पटना, वैवाहिक जीवन की समस्या होती है, यौवनावस्था की समस्या होती है, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स है, फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एडिक्शन है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते रहते हैं और उसमें प्रॉब्लम उनको आता है, या अलग अलग पदार्थ जो है उसकी बैड हैबिट्स उनको लगती है, या फिर बच्चों के प्रॉब्लम है, उसके लिए हम पेरेंटल काउंसलिंग, बच्चों के परवरिश में प्रॉब्लम है तो माँ बाप का काउंसलिंग हम करते हैं, जिसमें स्कूल नहीं जाना, बिस्तर गिल्ला करना, बोलने में हकलाना, या फिर वायलेंट बिहेवियर, ऐसे प्रॉब्लम्स है। सर दर्द, पूरा सर दर्द, आधा सर दर्द, हिस्टेरिया, फिट्स, नींद नहीं आना, ख्याल नहीं रहना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, बुढ़ापे का जो याददाश्त कमज़ोर होती है उसमें अल्जाइमर्स डिसीज़ है, डिमेंशिया है, तो वो प्रॉब्लम्स है, फिर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हैं, या फिर मैनिया, डिप्रेशन है, उदासीनता है, सुसाइडल थॉट्स है, ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स लेके हम लोग हमको कॉन्टैक्ट करते हैं। आप भी हमें ऑडियो कॉल से या वीडियो कॉल से, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं दूर से बात कर रहा हूँ, मैं अकोला नहीं पहुँच सकता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग हमको कॉन्टैक्ट करते, रोज 4-5 से लेकर 10 तक लोग रोज हमको कॉन्टैक्ट करके मेरे से सलाह लेते, काउंसिलिंग कर लेते, तो आप भी कर सकते, नीचे नंबर दिए हुए हैं उसको वहाँ आप संपर्क करो और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। हमारे यहाँ दाखिल करने की भी व्यवस्था है लोगों को, मतलब जैसा पेशेंट लोगों को दाखिल करना है तो लॉन्ग स्टे पेशेंट हमारे यहाँ दाखिल हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट को रख के रिलेटिव्स निकल जाते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनको ठीक करते हैं और फिर बाद में रिश्तेदार उनको लेके जाते हैं, तो उसमें ओल्ड एज होम जो है उसकी भी व्यवस्था हमारे पास में है, लॉन्ग स्टे पेशेंट है उनकी व्यवस्था है, क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनकी व्यवस्था है, और वहाँ पेशेंट की देखभाल हम करते हैं, रिलेटिव्स बाद में आके उनको ले जाते हैं, हम उनका पुनर्वसन करते हैं। सभी के लिए आप हमको कॉन्टैक्ट करके यहाँ से आप जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।